हेलो फ्रेंड, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। हैप्पी न्यू ईयर सभी को। नया वर्ष मंगलमय हो, आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां लेके आए। आज नया साल आपके जीवन को खुशियों से भर दे। और बताइए, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज नए साल पे सभी लोग खुश होते हैं, मैं भी खुश हूँ। लेकिन आज मेरी बेटी जा रही है, इसलिए थोड़ा सा मन ज़्यादा खुश नहीं है। और हम लोग जा रहे हैं उसको छोड़ने के लिए एयरपोर्ट, क्योंकि यहाँ से प्लेन कैंसिल हो गई थी, इसलिए लखनऊ से उसको छोड़ने जा रहे हैं। तो अभी हम लोग रास्ते में हैं, अभी हाईवे उतर रहे हैं नीचे। हमारे साथ कई लोग आए हैं, मेरी भांजी भी आई है पलक, और ये किरण गुड्डन, और ये मेरी लालो जा रही है। तो आगे जब पहुंचेंगे तो आपको आगे की जर्नी आगे शेयर करेंगे आपके साथ। आप लोग ब्रश दीजिए उसको कि वो अच्छे से उसकी यात्रा पूरी हो नए साल पे। उसको खूब ढेर सारा आशीर्वाद दीजिएगा आप लोग। कहे आप लोग ही हमारे लिए सब कुछ हैं आगे मेरी जर्नी के लिए। और मेरे चैनल को पूरा सपोर्ट भी कीजिएगा आप। नए साल पे भर भर के प्यार दीजिएगा मेरे चैनल को ढेर सारा नए साल पे। और आगे कंटिन्यू बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। आगे मैं की यात्रा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। गाइज हम आ चुके हैं जाजमऊ, और जाजमऊ पुल पे देखिए, जाजमऊ पुल पे आ चुके हैं गाइज। और ये गंगा जी आ गई। बोलिए गंगा मैया की जय। अभी हम लोग गंगा जी के पुल पे चल रहे हैं गाइज। हमारे कानपुर में गंगा नदी है, पवित्र नदी गंगा, सभी नदियों में श्रेष्ठ उत्तम। और इसको साफ सुथरा रखने का हम लोगों का कर्तव्य है, हमें इसको हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए। गंगा नदी को नदियाँ सभी स्वच्छ रखनी चाहिए, लेकिन ये सब में से श्रेष्ठ नदी है। और अभी इस समय गाइस हम लोग पुल के ऊपर चल रहे हैं। तो आप लोगों ने देखा गंगा जी हमारे यहाँ कानपुर में। गंगा नदी इस समय थोड़ी कम है, भरी हुई है, बरसात में तो बहुत ही ज़्यादा भर जाती है। यहाँ पर काफ़ी ठंड भी है, और अभी सुबह के बज रहे हैं 11, लेकिन कोहरा जो है वो हो रहा है। देखिएगा आपको बाहर शीशे से दिख रहा है, ये कितनी धुंध सी छाई हुई है, कोहरा बहुत है, ठंड बहुत ज़्यादा है आज। अभी कल तो बहुत ज़्यादा सर्दी थी यहाँ पे, कल हमें लगता है सबसे सर्दी वाला दिन होगा कल, बहुत ज़्यादा। अभी भी आज भी है, लेकिन कल सबसे ज़्यादा कोहरा भी आज बहुत ज़्यादा हो रहा है। गाड़ी मेरी बहुत धीरे धीरे चल रही है। हम लोग यहाँ रास्ते में उतरे हैं एक जगह, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा चाय पानी भी करेंगे और थोड़ा सा रुक के फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्योंकि अमौसी बिल्कुल पास है, अब केवल 25 किलोमीटर बचा है, ज़्यादा दूर नहीं है। और थोड़ा सा ब्रेकफास्ट भी करेंगे यहाँ पे, क्योंकि घर से सुबह जल्दी जल्दी चल दिए, कुछ भी नहीं खाया पिया था, केवल थोड़ी थोड़ी चाय पिया और बस निकल लिए थे। लग रहा था क्योंकि टाइम से पहुँचना भी है, कोहरा हो रहा था, इसलिए हम लोग अच्छे से बस निकल लिए जल्दी से। तो अब हम लोग जाएंगे इस रेस्टोरेंट के अंदर। देखिएगा गाइस, अच्छा है, बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी ठीक है, आराम से हम लोग नाश्ता वास्ता कुछ कर सकते हैं यहाँ पे गाइस। तो चलते हैं अंदर इसके। सुबह अभी तो 12:30 का टाइम हो गया है, लेकिन देखिए कोहरा कितना दिख रहा है, फॉग सा जमा है चारों तरफ, कोहरा भी हो रहा है। अब आ गए हम लोग रेस्टोरेंट के अंदर, यहाँ पर कुछ खाएंगे पिएंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में।
कंटिन्यू हाँ बोल दो। चलिए गाइज मैं जा रही हूँ, अब मिलूंगी बहुत जल्द फिर नए दो तीन किसी नए ब्लॉग में ना, और अपने चैनल के साथ गाइज, अपने चैनल के साथ अपूर्वा अग्नोत्री ब्लॉग में। अब आप देखिएगा इसको, और इससे पहले तो आप मेरे ही चैनल पे बराबर बने रहिएगा। कैसा लग रहा है आप लोगों को जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मेरी बेटी जा रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा थोड़ा सा दुख हो रहा है, लेकिन जाना है, पढ़ाई है ना, जाना तो पड़ेगा ही, बस थोड़े दिन की बात है, बस फिर मस्ती करेंगे, खूब इंजॉय करेंगे। तू भी जा रहे हैं पलक क्या? तो हम पकड़ो, हम लोगों ने पिए कुल्हड़ की चाय गरम गरम, मज़ा आ गया बिल्कुल, और लिया पकौड़ी चाय के साथ, अंकल चिप्स, फुल इंजॉय। हमें लगा था कुछ हो गया। एक हम लौटते थोड़ी ना हो गए, इसकी फ्लाइट होगी। कितने लोग होंगे इस रूट में, वो कैसे चल रहा था। अकेले चाचा अकेले जाओ, वो देखो उसको, देखो उसको डंडा। गाइस देखिए पुलिस भी आ गई है, लेकिन कोई फायदा नहीं है। उसमें फंसा है ना, फिर हम बात कर लेंगे आपसे, ठीक है? ठीक है नमस्ते। हेलो गाइज, हम लोग बहुत बुरी तरीके से फंस गए हैं, और यहाँ पर ड्राइवरों की स्ट्राइक कर रखी है, तो ये देखिए कितना भीड़, कितना जाम लगा रखा है यहाँ पर, बवाल कर दिया है पूरा, इतनी टेंशन हो रही है दिमाग में, लग रहा है कैसे जा पाएंगे, क्या होगा आगे, अब बहुत सारा जाम लगा है इधर, चारों तरफ भीड़ है, भीड़ है चारों तरफ, जाम लगा है और गाड़ियाँ फंस गई हैं। बहुत टेंशन हो रही है दिमाग में कि किधर से निकलेंगे, क्योंकि बेटी की फ्लाइट भी है, टाइम से पहुंचना भी बहुत ज़रूरी है, दिमाग बिल्कुल एकदम दिमाग का दही बन गया है। उत्पात मचा रहे हैं सब लोग यहाँ पर, बिल्कुल जाम लगा के रखा है यहाँ पर, अभी आप रिटायर हो, इतना परेशान चल रहा है सब ड्राइवर। देखिए यहाँ से शुरुआत हो गई है, देखिए डेढ़ किलोमीटर बाद उड़ना, ये देखिए आगे नहीं मुड़ना होगा, आगे से होगा कहीं रास्ता यार। ये देखिए अब हम लोग मुड़ रहे हैं, लखनऊ में बहुत मुसलमान है, ये लोग कितना बड़ा है। अब हम लोग एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं गाइस, बस पहुंचने वाले हैं चंद मिनटों में, बेटी को ड्रॉप करेंगे और फिर हम लोग बैक हो जाएंगे। हेलो फोटो तो कैसे खिंचा रहा है, इधर 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 नमस्ते, चंद मिनट हो गए, सब सेम ही चल रहा है। ये देखिए
यही है गाइस, हम लोग पहुंच चुके लखनऊ के अंदर। पंथरा निकल गया, लखनऊ के अंदर मैंने एंट्री कर ली। ये देखिए लखनऊ चौराहा को, पंथरा रोड लखनऊ ब्रांच गौरी बाजार, ये है सरोजनी नगर गौरी बाजार, ये है सरोजनी नगर। हम लोग पहुंच गए हैं। अरे अरे बस हम उसी पहुंचने वाले हैं। शर्म कर रहा है। थैंक गॉड खुल गया, पुलिस की गाड़ी भी आ गई है। भैया खुल गया बहुत मुश्किल से, देखो वहाँ भी पीछे तक लगा, खुल गया जाम। गाड़ी आगे बढ़ी फाइनली, बहुत बड़ा टेंशन खत्म हुआ। आ गए हम लोग एयरपोर्ट, लगेज अटैची पकाओ। आराम से धीरे से, ये हम बढ़िया। सारा आ गया तुम्हारा, सारे आ गए। देखिए आ गए हम लोग एयरपोर्ट, ये है लखनऊ एयरपोर्ट। देखिए गाइस, जब आई थी तो कानपुर से ही बैठी थी, लेकिन जाने का यहाँ से है टिकट उसका प्लेन का, इसलिए अमौसी हवाई अड्डे आ गए हैं। यहाँ का भी ये बहुत अच्छा बना है एयरपोर्ट, बहुत खूबसूरत जगह है। गुड्डन यहाँ पे भी आके बिजी हो गई, फ़ोन में देख रही हो, फ़ोन में बिजी है, यहाँ पे भी फ़ोन में बिजी है। चलिए अब मैं इसको बेटी को अपनी भेज रही हूँ। गाइस आप लोगों को अगर ये ब्लॉग अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और फुल वॉच कीजिए। और मैं इसके बाद नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मुलाकात होगी आप लोगों से। अभी बस थोड़ी देर बाद इसको अंदर कर देंगे, इसके बाद वापस चले जाएंगे हम लोग घर, क्योंकि 2 से 2.5 घंटा लग जाता है कानपुर पहुँचने में, इसलिए थोड़ा जल्दी जाएंगे। सर्दी है ना और थोड़ा कोहरा भी हो जाता है तो गाड़ी चलाने में थोड़ी दिक्कत होती है, इस वजह से हम लोग जल्दी ही वापस हो जाएंगे। गाइस फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉक में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद। जा रहे हैं अब हम लोग बिल्कुल अंदर उसको छोड़ने। गुड़िया क्या हुआ, गुड़िया जा रही है मेरी बेटी, हाय हाय बाय बाय करके। गुड़िया बहुत लंबी लाइन लगी है, मैं अब नहीं पकड़ सकती हूँ, बुलाना है। चलो आप लाइन में लगो चल के। जा रहा है तेरे मशीन पे जो चलाने का।